करके ऊपर तक, टॉप टू बॉटम सारा का सारा कार्यक्रम आयोजन, उसकी तैयारी स्वयं बहनों को करनी है, हर चीज करनी है। तो ये कैसे हो पाएगा? बहुत बारीक बारीक बातों को भी आपको बताया गया, जैसे कि होगा तो शक्तिपीठ से, जिले स्तर पर जो चिन्हांकित शक्तिपीठ है, मुख्य शक्तिपीठ है, कार्यक्रम वही होना है जैसे कि खबर मिली है। आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था वही से होगी, लेकिन हर शक्तिपीठ में अलग अलग प्रकार की स्थितियां रहती है। आपके यहाँ आपके जिले में किस प्रकार की स्थिति आपको देखना होगा। जैसे कई जगह होता है कि आवास के लिए टोलियां हमारी है, टोली का मतलब टोली को संपन्न कराने वाली टोली तो 3-4 लोग की रही हो तो नगर निवास है। मुख्य बात यह है कि जो पूरे जिले भर से आएंगे, तो जिले भर से जो 100, 200, 400 जितने भी लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, तो उनका जो पंजीयन हम पहले ही करेंगे क्षेत्र में, उसके लायक रुकवाने के लायक शक्तिपीठ में या जहाँ कहीं भी जगह है कि नहीं है, कहाँ व्यवस्था बनानी है, ये आवास व्यवस्था में आता है। फिर उन्होंने केवल बिल्डिंग दे दी और कुछ भी नहीं है, तो भाई दरी चाहिए, गद्दा चाहिए, चादर चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, एक ही रात रात्रि विश्राम करना है, लेकिन फिर भी चाहिए तो वो कहाँ से आएगा, क्या होगा? शक्तिपीठ में क्या उपलब्ध कराया जा रहा है उसको देख करके स्वयं जो जिम्मेदार लोग हैं, जो प्रभारी होंगे, टीम होगी, उसको इसके बारे में सोचना विचारना है। उसी प्रकार से भोजन के बारे में बात, भोजन की सामग्री को बुलाना या उसको वहन करना आर्थिक रूप से, ये शक्तिपीठ जरूर करेगा, लेकिन उस शक्तिपीठ से जुड़े कार्यकर्ता कौन है? भाई हम ही तो हैं, भाई हैं, बहन हैं, लेकिन चूंकि ये कार्यक्रम बहनों का है, तो ये जिम्मेदारी हो जाती है कि बहने ही भोजन बनाए चाहे बनवाए, जिम्मेदारी उनकी है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच, कब, किसके द्वारा, किस तरीके से भोजन बनाया जाएगा, बनवाया जाएगा, कितने बजे जलपान कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, क्या बनेगा, कैसे होगा, सारी जिम्मेदारी जो छोटी छोटी जिम्मेदारी है बहनों को लेनी, निर्णय लेना, एक व्यवस्था बनाना बनवाना, और कार्यकर्ता स्वयं सेवक कार्यकर्ता के रूप में जुटना। हाँ एक बात ध्यान देने की है, कहीं भोजन बनाने व्यवस्था करने के दृष्टिकोण से इतना ज्यादा मशगूल ना हो जाए कि आप जो कार्यशाला हो रही उसमें आप बैठ ही ना पाए, ये हो सकता है, इसको भी ध्यान देना है, क्योंकि कार्यशाला आपके लिए है। जो अग्रणी बहने हैं वो भी कार्यशाला को ध्यान रखेंगी, वो भी उसको उसको ध्यान रखेंगी। कार्य योजना के बारे में लंबी चौड़ी बात होने वाली है। वास्तव में जो रूपरेखा है, जिसके ऊपर मैंने बहुत प्रकाश नहीं डाला, संक्षिप्त बोला, तो जो हमारी कार्यशाला है 2 दिवसीय, उसमें हम कार्य कैसे करेंगे, कार्यशाला का मतलब होता है कार्य करने की तकनीक, कार्य करने की पद्धति विधा को समझना समझाना, कार्यशाला में होता है। कोई कार्य हम कम करें कैसे, आगे कैसे बढ़ाएं, आरंभ कैसे करें, ये करना होता है, तो इनको वहां पर समझाया जाएगा, जिससे कि हम सशस्त्र आंदोलन जैसी स्थिति जो होती है उसमें महिलाओं के स्तर के जो कार्य कार्य हैं, चाहे वो प्रशिक्षण संबंधी कार्य हो सकता है, चाहे वो रचनात्मक कार्य हो सकता है, चाहे वो श्रद्धा संवर्धन का कार्य हो सकता है, चाहे वो यज्ञ दीप यज्ञ संचालन प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो सकता है, चाहे स्कूल कॉलेज का कार्यक्रम हो सकता है, चाहे शिविर संबंधी कार्यक्रम हो सकता है, चाहे प्रज्ञा पुराण का कार्यक्रम हो सकता है, सारे काम आद्योपरांत, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। सभी स्तर की बहने, अल्प शिक्षित बहने, अशिक्षित बहने, गांव में रहने वाली बहने, नगर शहर में रहने वाली बहने, शिक्षित बहने, बहुत प्रतिभाशाली बहने, कामकाजी बहने, सबके लायक कार्य योजना, सबके लायक काम बताया जाएगा, उसको करने की, आरंभ करने की तरीके, आरंभ करने की, आगे बढ़ाने की पद्धति, वो सब के ऊपर चर्चा हुई। तो उसमें हमारी सब बहनों को रह करके उसे सुनना है, समझना है, उस टेक्निक को समझना है, और एक वर्ष की कार्य योजना होगी, उस एक वर्ष की कार्य योजना में हमको उसी तरीके से काम करना है, बाकायदा रिकॉर्ड रखना है। प्रत्येक बहन अपना एक डायरी मेंटेन करेगी रोज कि आज मैंने अपने 4 घंटे 2 घंटे के समय दान में ये काम किया या करवाया, जो भी है इस प्रकार से। तो ये सारी बातें आद्योपरांत होनी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, निवेदन मैं ये करूंगी कि 15 से 23 तारीख तक, अभी तो उपजाऊन स्त्री मीटिंग होती चली जा रही है, 23 तारीख तक ये समाप्त हो जाएगी, और उसके पश्चात टोली के माध्यम से, अर्थात महिला टोली ही विभिन्न जिलों में जाएंगी, आपके जिले में कोई और आएगा और आप किसी और के जिले में जाएंगे, इस प्रकार से जो इस क्षेत्र में अग्रणी बहने हैं,
जो ये काम कर सकती है, समय दे सकती है, प्रतिभा संपन्न है या अपनी स्वयं के आने जाने की व्यवस्था बना सकती है टोली के रूप में, उनका उपयोग इसमें होगा, उनका प्रशिक्षण भी होगा। 2 दिन कार्यशाला में पढ़ाएंगे सिखाएंगे क्या आप? इसका प्रशिक्षण 2 तारीख से 5 या 6 अक्टूबर 4 या 5 दिन में ये टोलियों का प्रशिक्षण किया जाएगा और ये ऑनलाइन होगा जैसे अभी हो रहा है वैसी, और 4 या 5 दिन में संपन्न किया जाएगा प्रतिदिन 1.5 घंटे लेकर के, जिसमें हम ये समझा पाएंगे कि हमें जिला स्तरीय मीटिंग जो लेनी है, जो कार्यशाला संपन्न करनी, उसमें हम कराएंगे क्या 2 दिन वहां रह करके। और जब नवरात्रि हमारी खत्म हो जाएगी, 15 तारीख को दशहरा संपन्न होगा, 7 से 15 अक्टूबर नवरात्रि है, दशहरा है, उसके पश्चात फिर 17 तारीख से लेकर के आगामी 23 से 25 अक्टूबर तक लगभग ये प्रांत भर में ये जिला स्तरीय 2 दिवसीय आवासीय कार्यशाला संपन्न होगी, जिसकी चर्चा हम विस्तार से भी कर रहे हैं। इस प्रकार से ये जिला स्तरीय मीटिंग, जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न होनी, जो कि हम बहनों को सशक्त बनाएगा, हमें फ्रंट लाइन पर लाएगा और इस प्रकार से हम सक्षम बन पाएंगे। आगे जा करके फिर समीक्षा गोष्ठी होगी ऑनलाइन फिर से नवंबर के महीने में, और 21 नवंबर याद रखिएगा, सारा काम करने के बाद अपना रिपोर्ट लेकर के हम प्रत्यक्ष प्रांत स्तरीय 1 दिवसीय बैठक में मिलेंगे, प्रत्यक्ष मिलेंगे, ऑनलाइन ही ऑफलाइन मिलेंगे, और तब देखिएगा कि आपका चेहरा कितना चमक रहा है, आप में कितना विश्वास, आत्मविश्वास भर गया है, आप कितना किला फतह करके आई है और आप कैसे विजयश्री हासिल करके आई है, ये आपका चेहरा बताएंगे। आप स्वयं अपने आप को निहारिएगा आज की स्थिति और तब की स्थिति में कितना अंतर है। तो ये हमारी संपूर्ण कार्य योजना की झलकी मैंने दिखाई, वर्ष भर की कार्य योजना जो होगी वो आपको विस्तार से बाद में समय समय पर बताया जाएगा। कार्यशाला जिस दिन संपन्न होगी उस दिन आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो ये बातें अब पूरी होती है। अब मैं निवेदन करूंगी रोमा जी कि हमारी वो बहने जिन्हें किसी प्रकार का कोई प्रश्न होगा, कोई कुछ पूछना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, तो उनके लिए 15 मिनट का समय हमारे पास है, ज्यादा भी समय दे सकते हैं, या आपका प्रश्न है तो समाधान करेंगे उसका। जी जी, किसी बहनों के मन में कोई प्रश्न है, हमारे उपजोन स्तर पर जितने भी हमारे बिलासपुर जिला, मुंगेली जिला, पिंडरा, मरवाही जिले से हमारी जो कार्यकर्ता भाई बहन, हमारी माताएं दीदी लोग जुड़ी हुई हैं, उनके मन में अगर कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो, तो कृपया आप लोग अपना विचार, अपना प्रश्न व्यक्त कर सकते हैं, हमारी है ना, आप सबका मार्गदर्शन करेंगे, आपकी जिज्ञासा को पूर्ण करेंगे। आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं प्रश्न को, और हाथ उठा सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, तो आपको स्क्रीन में भी ले आएंगे, या सीधा बोलना चाहती हाथ उठा दे तो आपको फिर मौका मिलेगा। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपना माइक खोल लीजिए और आप बोल भी सकते हैं। जी, बहुत सारी हमारे जो कार्यकर्ता भाई बहन लोग जुड़े हुए हैं, उनका वीडियो भी बंद है, तो आप लोग अपना वीडियो चालू करें और कृपया अपना चेहरा दिखाएं और अपना विचार व्यक्त करने की कृपा करें, क्योंकि हमारे बिलासपुर जिले में उपजोन स्तर पर ये कार्यक्रम होना है, जिसका पूर्ण संपूर्ण मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त हो चुका है, तो कृपया अपने विचार रखने की कृपा करें। सुजाता दीदी से निवेदन करूंगी, दीदी अपना विचार रखें, क्योंकि अपने बिलासपुर जिले में उपजोन स्तर पर होना है, आप शुरुआत से जुड़ी हुई हैं, सुजाता दीदी जी। हाँ कुंती दीदी, सभी बहनों को और भाइयों को जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आवाज आ रही दीदी? जी 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 जी, बिल्कुल बोलिए। नहीं, कुंती दीदी का जो जो भी आपने बताया है बहुत अच्छे से समझ में आया है, और बहुत ही डिटेल्स में आपने बताया है, और तो कुछ ऐसा बसता नहीं है कि मैं आपके पास कोई प्रश्न पूछूं। फिर भी ये है कि अभी के समय में बोल रहे हैं कि गैदरिंग कहीं भी, मतलब एक ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुट करके, मतलब वो नहीं करना है, तो ऑनलाइन ये सब होगा कि, मतलब आप बोल रहे हैं जैसे, मतलब एक ये चीज है दीदी, ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन होगा, और तब तक काफी कुछ व्यवस्था बन जाएगी। जब स्कूल और कॉलेज दोनों खुल गए हैं तो जी जी ये जी जी लगता जी कि एडमिशन हो रहे हैं, ऑफलाइन एडमिशन हो रहा है, ऑफलाइन हाँ, हाँ, जी जी हैं,
ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जहां तक। तो ये तभी बात बनेगी कार्यशाला जब कंटिन्यूअस होगा। ऑनलाइन में हम 1.5 घंटे से ज्यादा समय दे नहीं सकते, लोग आपको लाने लगते हैं, घर का वातावरण रहता है, घरेलू वातावरण में सारी बातें वैसे भी संभव नहीं हो पाती, तो ये वैसे ही होना है। और वो नहीं, बहुत अच्छा तो आनंद आया। नहीं, नहीं, ये और क्या है, सामने एक मार्गदर्शन देना और एक मतलब ऑनलाइन का, इसका प्रभाव बहुत मतलब बच्चों को, जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो इसका भी प्रभाव मतलब बहुत कम ही होता है। आप सामने सामने फेस टू फेस होने से एक आपका वाइब्रेशन है, एक मतलब गुरुदेव माता जी का जो भी एक वातावरण बन जाता है सामने सामने, तो ये चीज बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, बहुत बहुत आपने रोमा दीदी सुल्तानिया से निवेदन करती हूँ, वो भी अपना विचार रखें। आदरणीय आशा सुल्तानिया दीदी जी। हाँ प्रणाम दीदी, कुंती दीदी को मेरा। हाँ दीदी, आप सारी बातों को अच्छे से बता दिया दीदी, कि कुछ पूछने के लिए बाकी ही नहीं रहा, और हमको आप जो भी बोलेंगे तो हम लोग पूरा हम लोग तैयार हैं दीदी वो कार्य करने के लिए। जी दीदी, बहुत अच्छे से आज हमको सब चीज समझ में आ गई है, और समय समय पर यदि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आपसे पूछ लेंगे दीदी, और आपको वो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम कुछ क्वेश्चन करें आपसे। पेंड्रा जिला से हमारे प्रतिभा राठौर दीदी जी, वो भी अपना विचार रखें, पेंड्रा जिले से जुड़ी हुई हैं। प्रणाम दीदी, सभी भाई बहनों को प्रणाम। प्रणाम दीदी, इतना अच्छा समझाई हैं आप लोग, कुंती दीदी जी, अमृता दीदी जी, बहुत अच्छा समझ में आई। बस बात ये है कि जो समय सारणी में दीदी पीडीएफ बना के आप प्रिंट देंगे व्हाट्सएप, तो सभी को सुविधा रहेगी। समय सारणी को अभी समय सारणी को दीदी जो मोटी मोटा खाका जो बनाया है वो मैंने रखा आपके सामने जी। अब उसमें पॉइंट तो बिल्कुल टाइम टू टाइम जो है, मिनट टू मिनट जो प्रोग्राम रहता है ना, उसको विस्तार से लिखेंगे तो उसकी आवश्यकता हमारे क्षेत्रों में कम पड़ेगी, और उसकी आवश्यकता बल्कि हम बहनों को जो व्यवस्था बनाने वाले हैं ना उनको जरूरत पड़ेगी, तो वो आगे जाकर के उसको देंगे, आगे जाके देंगे, टोलियों का प्रशिक्षण होगा। हाँ हाँ, तो वो देंगे उसके अनुसार। हो सकता है कि हमारी सारी बहनें पूरे 2 दिन न रह पाए, ये ध्यान देने की बात है। हो सकता है कि जिन बहनों को हम आमंत्रित करेंगे क्षेत्रों से प्रशिक्षण लेने के लिए कार्यशाला में, वो पूरे समय 2 दिन न रह पाए। सबकी अपनी अपनी व्यस्तता होती है, व्यवस्थाएं होती है, तो जो जितने समय में आ सके और जो कर सके वही बहुत है, ये भी मानना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक प्रयोग हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा जो उसमें समायोजन कर पाएगा, जो ढाल पाएगा, वो बाजी मार देगा। ये तो ऐसा है कि लूट लगी, कहते राम नाम की लूट लगी है, तो ये युग निर्माण योजना में नारी जागरण की लूट लगी। भाई लूट लो, जो जितना आगे आएगा, हौसला दिखाएगा, समय देगा, सीखने को उद्यत होगा, उतना ज्यादा पाएगा। तो ये वैसे ही है, ठीक है, प्रयास करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग समय दे सके कार्यशाला के लिए। क्या है दीदी, समय सारणी जैसे रहता तो अपना प्रचार प्रसार में दिक्कत नहीं जाएगा, कि उसका अपना पीडीएफ जैसे कंप्लीट वगैरह कुछ बना के उसको अपना दे सकते हैं। देखिए, मैं आपको क्या सिखाया जाएगा, कितने प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, मैं उसका 2 पेज लिख के भेज दूंगी जी दीदी। इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, हम इसलिए नहीं कह सकते, इस बात को समझिएगा, ठीक है, नहीं कह सकते, क्योंकि आपका कार्यक्रम मतलब किस जिले का कार्यक्रम कितने बजे टाइम से शुरू हो जाएगा, ये आपको खुद को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। समय हमने तो 10 बजे रखा है जी। हम सोचते हैं कि अधिकतम 10:30-11 बजे शुरू हो जाए, लेकिन हो जाए तो बड़ी अच्छी बात, भगवान की कृपा और वो बहनों की कृपा, लेकिन नहीं होगा तो क्या करेंगे, तब भी चलाना पड़ेगा ना, तो आपको मारना पड़ेगा, किसी को छोड़ेंगे, किसी को पकड़ेंगे, किसी को शॉर्टकट मारेंगे, किसी को कुछ करेंगे, किसी को कुछ करेंगे, ये करना पड़ेगा, अब वो फील्ड में करना पड़ेगा। तो पहले से अगर लिख करके आपने रखा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो पूरा पूरा फॉलो होगा, लेकिन हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे जरूर, लेकिन पूरी तरह से फॉलो वो नहीं हो पाएगा। हम कार्यकर्ता बहनों को जानना चाहिए कि क्या क्या चीजें होंगी, तो कुछ भी छूटेगा नहीं। अगर मैं वो सब बातें करती तो फिर ये आपस में प्रश्नोत्तरी करने के लिए कोई समय नहीं बचता, क्योंकि काफी लेंदी है, वो बहुत लंबा है, लंबा चौड़ा है, क्योंकि सतसूत्री योजना गुरुदेव की और बहनों के लायक काम करने की, अधिकांश काम बहनों के करने का, अधिकांश काम, तो उसमें ये बात है, देंगे आपको।
जिले से ही आदरणीय सुनंदा दीदी जी अपना विचार रखेंगे। नहीं, प्रतिभा राठौर बोली, दीदी का बहुत अच्छा रहा, हम लोग पूरा फॉलो करेंगे, पूरे लगन से करेंगे, जो भी काम है दीदी बोली तो करेंगे बिल्कुल। दो दिन का समय देंगे और समय होगा तो और देंगे, जैसा हम लेकर समय देते जाएंगे गुरुदेव के लिए, बिल्कुल खड़े हैं। बिल्कुल प्रणाम, बिल्कुल दीदी प्रणाम। हमारी मुंगेली जिले से सावित्री दीदी जुड़ी हुई हैं, दीदी कृपया आप अपना विचार रखेंगे मुंगेली जिले से। सभी दीदी जी को प्रणाम। रोमा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी दीदी। आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। वीडियो में नहीं है क्या दीदी आप? क्या वीडियो, वीडियो में आप है कि नहीं है? अभी वीडियो में आइए, वीडियो में आइए दीदी, आ सकेंगे वीडियो में तो अच्छा होगा। हाँ वीडियो में है दीदी, वीडियो में है, आ गई है दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। एक बार मैं यहाँ प्रशिक्षण में जुड़ी थी मीटिंग में, तो आवाज मेरे को सुनाई नहीं दिया था दीदी, और मेरे को बहुत अच्छा लगा आप सबसे जुड़ के, और बहुत अच्छा आप लोग का विचार व्यक्त यहाँ पे किए हैं, मैं सुन के बहुत अच्छा लगा, प्रेरणा मिली मेरे को बहुत, और हम भी कुछ कर के दिखाए ऐसा मन में उत्साह हुआ है सोचने लग। एक बात और मैं कुछ कहना चाहती हूँ दीदी आप लोगों के साथ, वो क्या है, मैं यहाँ पढ़ाती भी हूँ, टीचर हूँ, और अभी मेरे को 6 बजे ऑनलाइन वेबिनार में जुड़ना है, और आज ही मेरे को ना बहुत सारा अपना जो आकलन चल रहा है ना अभी, उसका मेरे को एंट्री करना था कक्षा का बच्चों का, तो शायद मैं उसी में जुड़ी हुई थी, मेरा काम वो भी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि सारे टीचर नहीं उपस्थित थे, इसलिए इसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं, और मैं जो सोचती हूँ सब कुछ एक करने के लिए, पर हमारे गांव के जो हमारी गायत्री परिवार की महिलाएं हैं, मीटिंग रखना तो चाहती हूँ मैं, हमेशा पद्मा दीदी भी मार्गदर्शन थी, पद्मा दीदी भी यहाँ मीटिंग रखी थी, पहले हम लोग हर गुरुवार को यहाँ मतलब प्रत्येक घर में जितने भी गायत्री परिवार से जुड़े हैं, जो गायत्री परिवार से नहीं जुड़े हैं उन लोगों को भी हम लोग मार्गदर्शन दिया करते थे, और प्रत्येक घर में गुरुवार के दिन हम लोग दीप यज्ञ का कार्यक्रम कराते थे दीदी, 3-4 महीना से मतलब ये चल रहा था, और जब 2015 में जब नारी जागरण का वहाँ शांति कुंज में प्रशिक्षण हुआ था, यहाँ से गए थे हम लोग बिलासपुर जिला से 10-15 लोग, तो वहां से सीख के आने के बाद बहुत कुछ मेरे को अच्छा लगा और करने का मन में उत्साह भी हुआ दीदी, पर यहाँ मैं जब देखी सबके घर में जाके बताने से 2-4 दिन तो ऐसे लगा उन लोगों के हाँ हम लोग ये सब कर लेंगे करके, पर हफ्ता हफ्ता में यहाँ हमारे यहाँ 4 भाठा में प्रज्ञा पीठ में यहाँ हवन का कार्यक्रम होता है दीदी हर रविवार को, तो जाती हूँ मैं, मेरे पति भी जाते हैं, और ऐसा मेरे को लगता है कि इतने साल से हम लोग जुड़े हैं पर यहाँ के महिलाएं सभी कोई जाए उत्साह से कार्यक्रम करे ऐसा नहीं सोचते हैं हम लोग, मेरे बहुत दुखी लगता है, मैं अभी सोच के बोल भी रही थी अपने घर में कि हम लोग इतने 40 साल से जुड़े हैं पर ऐसा क्यों कि हम लोग 2-4 ही जा पाते हैं वहां मंदिर में, ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम प्रत्येक घर से कम उस पत्नी है बेटी है बेटा ये तो जा सकते हैं ना दीदी, आप बताइए इसके लिए मैं क्या करूं कि इन लोग सब कोई जुड़े और सब बढ़िया आए। जी जी, मैं 4 भाठा गई थी दीदी आपके गांव में, जा चुकी हूँ, कार्यक्रम वहाँ पर था, आप हो सकता है उस समय न मिले होंगे। सब होता है दीदी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पीछे है, पर मेरे को लगता है कि ये लोग कार्यक्रम बस में जाते हैं बस दिखाने के लिए, ऐसा लगता है मैं महसूस करती हूँ भाई अपने आप में। उसमें दीदी अपन ऐसा नहीं कह सकते कि हम जो चाहते हैं वो हो ही जाए, हम जो करना चाहते हैं वो क्यों नहीं हो पाता उसके एक नहीं अनेक कारण होते हैं, कुछ कारण गांव से संबंधित, परिस्थितियों से संबंधित, उन लोगों से संबंधित, कुछ हमसे भी संबंधित, ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसके बारे में तो विचार करना पड़ेगा है ना, और आप हौसला बनाए रखिए भाई, अगर हम में कोई कमी है मान लीजिए हमारे प्रयासों में या हमारी टेक्निक में पद्धति में काम करने की, तो वो हम सोचेंगे,
वहां की परिस्थिति के बारे में कुछ आकलन उस स्टडी करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि भाई क्या परिस्थिति है, लोगों को किस चीज की जरूरत है और हम उनको क्या देना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती दीदी चिंतन करने की। सब जगह सब फार्मूला काम नहीं कर पाता, सब जगह सब सूत्र काम नहीं करता, सब जगह सब कार्यक्रम सक्सेस नहीं होते हैं। अलग अलग जगह का अलग अलग सब वातावरण, परिस्थितियां, आवश्यकता, ये सब होता है। तो सब जगह अलग अलग फार्मूला फिट कर होता है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते जो मेरे यहाँ है वो जरूरी नहीं कि आपके यहाँ शामिल हो सकते, जो आपके यहाँ की परिस्थिति है वो अलग है, इसी प्रकार से आपके यहाँ जो कार्यक्रम होगा वो मेरे यहाँ जरूरी नहीं हो जाए। तो बहुत सारी बातें होती है ऐसे, उनको क्या करना पड़ेगा क्या नहीं। ठीक है दीदी, चलिए आप अपनी बातों को, आप अपनी बातों को लिख करके भी दे सकते हैं सभी रोमा जी, रोमा बहन, हमारी बहनों के लिए, हमारी बहनों के लिए जब कार्यशाला होगी उसके लिए एक बात और कर सकते हैं, एक फॉर्मेट बना देंगे। बहनें अपने मंडल में अपने व्यक्तिगत स्तर पर क्या क्या काम करती हैं और क्या इससे संतुष्ट हैं कि नहीं है, और क्या चाहिए, क्या करना चाहती है, इस तरह की बातों को ना अपन एक वर्ग बना देंगे, एक उससे क्या टाइम बचेगा और हम ये समझ पाएंगे कि किस चीज की जरूरत है, उसके अनुसार फिर वो प्रशिक्षण चलेगा तो ये आसान हो जाएगा। बिना मतलब की बातें लंबी लंबी अब उस क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं है और वो बातें हो गई तो गड़बड़ होगा। तो प्रयास हम ऐसा करेंगे कि जहां पर जिस चीज की आवश्यकता है वहां पर वो बातें प्रमुखता पूर्वक ऐसा प्रयास करेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा बोला दीदी ने। चलिए सावित्री दीदी ने कुछ तो बताया अपना क्षेत्र के बारे में, और कोई जी सुधा दीदी भी जुड़ी हुई है पेटना से, दीदी अपना विचार रखना चाहेंगे क्या, चाहेंगे क्या? सुधा दीदी पेंड्रा से, सुधा बोले ना, हाँ सुधा दीदी जुड़ी हुई है। दीदी अपना विचार रखिएगा। बोलिए सुधा दीदी, आपका माइक चालू हो गया है। सुलभा है कि सुधा है? चालू की है दीदी, दीदी अपना विचार रखिए। सुलभा सुलभा है दीदी, सुधा क्षमा चाहती हूँ, सुधा बोली थी, सुलभा दीदी है, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, हेडफोन निकाल के बात करिए दीदी। अभी आई 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 हाँ, सभी दीदियों को मेरा सादर प्रणाम है। दीदी मैं अब इस क्षेत्र के लिए तो मैं नहीं हूँ, सरगुजा क्षेत्र में अंबिकापुर गायत्री शक्तिपीठ में अमृता दीदी सरस्वती दीदी के मार्गदर्शन में ही लंबे समय से दीदी मैं कार्य कर रही थी, और अब इस क्षेत्र की जैसी कार्य रूपरेखा हमारी बनाई गई है उसके अनुसार पूरा पूरा अपना समय देने की, और बाकी चीजें आप सभी ने बहुत अच्छे से बताई है दीदी, आप सभी के मार्गदर्शन में हम अपना पूरा समय श्रम सब कुछ देने का पूरा प्रयास करेंगे जिससे हमारे जो ये नारी शक्ति है उसका संगठन बहुत आगे जाए। धन्यवाद दीदी। बहुत अच्छा, आप अंबिकापुर में पहले ही एक्सपीरियंस ले चुकी है तो ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो जो अनुभव आपका है उस अनुभव का यहाँ पर दूसरों को लाभ दीजिए, है ना, और यहाँ की परिस्थिति के अनुसार क्या आवश्यकता है उसको स्टडी करके, फिर बड़ी अच्छी बात है। सुलभा जी बहुत अच्छा, अपना प्रतिभा दीदी सुनंदा दीदी से भी निवेदन है कि हमारी जो दीदी है उनको भी आप साथ में रखिएगा दीदी, है ना, उनको भी साथ में अपना गुरु कार्य में अपनी भागीदारी निभाने का मौका दीजिएगा, है ना, क्योंकि नहीं है अभी अंबिकापुर से आई हुई है। दीदी भी संपर्क रहते हैं इनसे, दीदी से संपर्क बना रहता है। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल ना, प्रियंका नेताम को भी जी जी हाँ दीदी, हमारी डॉक्टर प्रियंका दीदी भी जुड़ी हुई है, प्रियंका बहन भी जुड़ी हुई है, सविता, अच्छा सविता दीदी भी जुड़ी है। ठीक है दीदी, अपना अपना विचार रखिएगा। डॉक्टर प्रियंका नेताम किधर है? दिखाई नहीं पड़ रही है, जुड़ी है क्या? दो, 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 दो।
वीडियो में नहीं है, असल में दरअसल वीडियो में नहीं है दीदी, असली बात वो जुड़ी थी वो नहीं दिखाई पड़ रही अभी। अच्छा सविता तिवारी दीदी जी जुड़ी हैं, दीदी आप जुड़े हैं तो अपना विचार रखिएगा। सविता तिवारी में नहीं है, एक सविता केवल नाम लिखा है, सविता लिखा है, तिवारी नहीं लिखा है, केवल सविता है, वीडियो में नहीं है जी। अच्छा और कोई भी हमारे कार्यकर्ता भाई या बहन अपना विचार रखना चाहते हैं तो आप कृपया रखने की कृपा करेंगे, किसी के मन में कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो तो। मेरे ख्याल से अब बातें पूरी हो गई, बहुत से लोग तो वीडियो में नहीं है और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे हमारी गायत्री सोनी दीदी हैं और ये इस आपके उपयोग से नहीं है।